आदमी का जब होता है अपना ज्ञान, वो कहलाता है शक्तिमान। नहीं दोस्तों, आज मैं शक्तिमान का बात नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों, मूवीज में सुपर हीरो तो आपने बहुत सारे देखे, स्पाइडरमैन, बैटमैन, एक्समैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जो रियल लाइफ सुपर हीरो पैडमैन की। इसके ऊपर अक्षय कुमार के अभिनीत फिल्म पैडमैन रिलीज होने वाला है। तो आइए जानते हैं असली पैडमैन की कहानी। फिल्म पैडमैन में अक्षय कुमार अरुणाचलम मुरुगनाथम की भूमिका निभाएंगे, जो वास्तव में पीरियड से जुड़ी समस्या के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्हें पैडमैन के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत के कोयंबटूर में एक गरीब परिवार में 1960 में मुरुगनाथम का जन्म हुआ था। 14 साल की उम्र में ही मुरुगनाथम को पढ़ाई छोड़ के नौकरी करने पड़े। उन्होंने खेत में मजदूरी की, फूड फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटिंग की या एक वेल्डर की तरह पे भी काम किया। 1998 में उनका शादी हो गया, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन उन्होंने देखा उनका पत्नी उनसे कुछ छुपा रही थी। जब मुरुगनाथन ने इसके बारे में जानने चाहा, तो उनकी पत्नी ने आपके काम की चीज नहीं बता के बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चल ही गया कि पत्नी उनसे एक गंदा कपड़े का टुकड़ा छुपा रही थी जो पीरियड्स में वो यूज करती थी। मुरुगनाथन के कहने के मुताबिक वो कपड़े इतना गंदा था कि वो अपने टू व्हीलर्स को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात मुरुगनाथन को अच्छा नहीं लगा। अपने पत्नी से पूछा, तुम ऐसे क्यों करते हो? पत्नी ने बोला, या तो मैं सैनिटरी नैपकिन खरीद सकती हूँ या फिर घर के लिए मिल्क। उसके बाद अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए मुरुगनाथन ने पास की एक दुकान से नैपकिन खरीद लाया और इसे खोलकर देखा। उनमें जो मटेरियल यूज किया गया उसके कीमत लगभग 10 पैसे के आसपास था, लेकिन उसके 40 गुना ज्यादा कीमत पर ये बिक रहा था। ये देखकर अब उन्होंने सोचा कि अपने खुद के एक सस्ती पैड बनाने का, और कुछ बनाए भी, लेकिन ये सारे पैड उनकी वाइफ एंड सिस्टर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। उनके पत्नी ने इस काम के दौरान उन्हें सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। मुरुगनाथन को अब इस काम के लिए फीमेल वॉलेंटियर्स चाहिए था, इसलिए वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास गया, लेकिन उन लोगों ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। जब सभी दरवाजे बंद हो गए, तब उन्होंने अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट करना चालू किया और इसी के साथ वो दुनिया के पहले सैनिटरी पैड पहनने वाले आदमी बन गए। इसके लिए उन्होंने ब्लड की एक पाइप लगाया और एक बॉल कमर पे बांध लिया। अब जब भी वो चलते थे या साइकिलिंग करते थे तो ब्लड नैपकिन में गिरता था, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। इस बीच उनके वाइफ उन्हें छोड़कर चले गए, वो बिल्कुल ही अकेला पड़ गए, लेकिन बार बार फेल होने के बावजूद वो हार नहीं माने। उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कॉटन के साथ सेलुलोज फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि पाइन बार्क वुड पल्प यानी पेड़ की खाल से मिलता है। अब जब फार्मूला का पता चल ही गया तो उन्हें अब जरूरत थी मशीनरी की, लेकिन पैड्स बनाने वाले मशीन की कीमत जब उन्हें पता चला तो उनके होश उड़ गए। उसका कीमत लगभग 3.5 करोड़ था। इतने महंगे मशीन तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने और कुछ साल रिसर्च किए और सस्ता और टिकाऊ मशीन का इन्वेंशन किया जिसकी कीमत लगभग 65,000 था। मुरुगनाथन के इस इन्वेंशन को IIT मद्रास ने बेस्ट इन्वेंशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी का फर्स्ट रैंक दिया और पैडमैन लाइमलाइट पे आ गए। सैनिटरी नैपकिन के निर्माण के लिए उन्होंने सस्ते मशीन बनाया और ग्रामीण इलाकों में पहुंचा दिए। मुरुगनाथन ने 18 महीने में 250 मशीन बनाया और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे महिलाओं को इसको चलाना सिखाया। उन्होंने इस मशीन को वहां पहुंचाया जहां पैसा बचाने के लिए नैपकिन यूज नहीं करती थी। उनका एक मिशन है इंडिया को 100% सैनिटरी नैपकिन यूजिंग कंट्री बनाने का, जो कि केवल 7-8% है। आशा करते हैं उनका ये मिशन जरूर पूरा होंगे। उनका ये दावा है कि वो इस काम के लिए 10 लाख महिला को रोजगार प्रदान करेंगे। साल 2014 में टाइम मैगजीन में उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड के लिस्ट में शामिल किया। 2016 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। दोस्तों, जिस पर जग हंसा है वही एक दिन इतिहास रचा है। हम मुरुगनाथन के इस जज्बा को सलाम करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए साथ रहिए।